10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई। पीएसएल पाकिस्तानी क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट पहले कभी नहीं हुआ। शायकीन भी भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं, जो असल कामयाबी है। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की फ्रेंचाइज मालिकान के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले पूरी दुनिया में पीएसएल का जुनून है, दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। जिस तरह उन्हें सपोर्ट किया एचपीएल पीएसएल को, मेरे ख्याल में तो असल वजह इस एचपीएल पीएसएल की कामयाबी है हमारे फैंस। एंड इट इज ओनली अप्रोप्रिएट के मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ पाकिस्तान, इनफैक्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। आज मैं पूरी कौम से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पीएसएल को कामयाबी के लिए आप सारे जो हैं दो दो रकात नवाफिल भी अदा करें, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। So thank PCB not only for what they have done for PSL but also what they have done for the revival of cricket in Pakistan. Jo especially in the last 12 months the way we have moved forward, aur wo bada normal si cheez ab lagni shuru ho gayi hai with teams coming through and people coming to the stadium as well. Humne shuru mein bade mushkil waqt dekhe, isi waqt ke liye intezar tha. Jab pehla match Pakistan mein hua to thodi si umeed hui, magar ab ye 34 ke 34 match sab ke sab ka Pakistan mein ho ke wo bhi char stadium mein, I think it will be an unbelievable experience. मकसद उसका सिर्फ यही था कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जाए, और मैं समझता हूँ कि वानी साहब की लीडरशिप के अंदर ये चीज़ कामयाब हुई और हम पूरे पाकिस्तान का एक खूबसूरत फेस जो है पूरी दुनिया को इंशाल्लाह दिखाने जा रहे हैं। हमें क्रिकेट बोर्ड की इसमें जितनी हम उनकी तारीफ कर सकते हैं, वी हैव टू अप्रिशिएट This is something extraordinary जो पाकिस्तान में होने लगी। वर्ल्ड कप्स पाकिस्तान में हुए, लेकिन ये सबसे बड़ा इवेंट है जो आज तक पाकिस्तान है।